भाई रेडी रेडी रेडी। हमारे मुल्क के वजीर आजम का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच रही नहीं, जिसकी एक जिंदा मिसाल दिल्ली में सिविल डिफेंस में जॉब करने वाली राबिया सैफी नामी 24 साल की लड़की का बेदर्दी से रेप कर कत्ल किया गया है। उसी दिल्ली में कुछ साल पहले एक लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके खिलाफ सारे हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी वालों ने ज़ोरदार एहतजाज किया। जब तक उन का एहतजाज जारी रहा, जब तक उन खातिरों को सजा मौत ना हुई। जब उसी दिल्ली में एक लड़की के साथ इसी बेदर्दाना तरीके से कत्ल होता है तो सिविल सोसाइटी वाले खामोश हो जाते हैं, मीडिया वाले खामोश हो जाते हैं और हुकूमतें खामोश हो जाती हैं। इसकी अहम वजह यह है कि इस मुल्क में कुछ परसेंट तासुबाना नज़रियात लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई दलित लड़की का कत्ल और रेप होता है तो उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब किसी मुसलमान लड़की के साथ रेप और कत्ल होता है तो कोई मीडिया वाले उसको फ्लैश नहीं करते। और यही एक मामूली सा केस आपके हैदराबाद में, शमशाबाद में एक लेडी का कत्ल हुआ था रेप कर, तो उस वक्त के कमिश्नर सजनार साहब ने उन तीनों का इनकाउंटर कर कत्ल किया, जबकि एक ही रियासत में इस तरीके का काम करने वालों को इनकाउंटर करके कत्ल किया जाता है। उसी रियासत में एक 6 साल मासूम लड़की को रेप कर कत्ल किया जाता है तो हुकूमत भी टाल मडोल की पॉलिसी अपनाई हुई है और सिविल सोसाइटी और मीडिया इसके ऊपर खामोश है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो भी दलित थी। तो हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत राबिया सैफी के कातिलों को सजाए मौत अगर नहीं देगी तो इसके खिलाफ में ये एक एहतजाज नहीं बल्कि हम सारे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि इस तरीके के जालिमों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना करना। शुक्रिया। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपडेट्स।